फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम टिटवाल क्रॉसिंग ब्रिज पर जाने वाले हैं, हिस्टोरिक ब्रिज पे। दिल की धड़कनें जो है वो काफी तेज हो रही है। ये नज़ारे देखने के लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। वो सामने जो है ये मस्जिद है उस साइड से, और ये है गांव पूरा। पूरा गांव जो है क्लोज आपको दिख रहा है। ये देखो वहां से बच्चे अभी टहल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी बजे है सुबह के, अभी बजे है 7:20 और अब हम जा गए हैं। 1 के बाद जो है नींद अच्छे से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। ये देखो बाहर के नज़ारे, माशाल्लाह। आज है टिटवाल में हमारा दूसरा दिन। सिर्फ हमने आपको ट्रेलर दिखाया, पिक्चर जो है वो भी बाकी है। हमें पहले ही हमें टिटवाल जो क्रॉसिंग ब्रिज है वो जीरो लाइन तक पूरा जाएंगे हम। टिटवाल का पूरा गांव दिखाएंगे आपको, सीमारी का पूरा गांव दिखाएंगे आपको, और चिल्हाना का जो पाकिस्तान वाली साइड का गांव है भी सारा दिखाएंगे, वो भी सारा दिखाएंगे। तो इसलिए आज का ये व्लॉग जो है ये स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पेज से अगर देख रहे हो वहां भी फॉलो जरूर करें। अभी हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करते, फिर काफी कुछ काम हमें करना है। अभी हम आए थे रोटी लाने, हमारे पास बिस्किट खत्म हो गए थे, तो चाय बनानी थी। पहले हमने सोचा पहले बिस्किट लाते उसके बाद फिर घूमेंगे पूरा टिटवाल। और यहाँ पे जो भाषा बोलते हैं वो पहाड़ी, सारे ज्यादातर पहाड़ी बोलते हैं, बोलते पहाड़ी बोलते हैं यहाँ पे। ज्यादा लोग जो है पहाड़ी भाषा बोलते हैं, ज्यादा नहीं है, मतलब सौ परसेंट पहाड़ी। हमें तो अभी चाय भी पीनी है। और यहाँ से देखो ये लोग जो है काम पे लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वजह रात में हम क्यों डर रहे थे, क्योंकि हम जहाँ पे अभी कैंपिंग कर रहे हैं ये है टिटवाल क्रॉसिंग ब्रिज के बिल्कुल ही पास, बिल्कुल पास। यहाँ पे इस साइड पाकिस्तान के रेंजर्स बहुत क्लोज है, इंडिया आर्मी भी है जो बहुत ही क्लोज है। तो रात को थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सारी नजरें जो है वो हमारे रूफ टॉप टेंट पे थी, इसीलिए थोड़ा बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अभी हम पहले चाय पीते। अभी जो है साफ वहाँ से जो है पाकिस्तान रेंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ से सामने जो है दो फ्लैग्स लगे हुए हैं, एक तो पाकिस्तान का फ्लैग है, दूसरा आज़ाद कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ है। और वहाँ पर ही रेंजर जो है नज़र आ रहा है, और सामने ये जो है ये क्रॉसिंग ब्रिज है टिटवाल का। किसी ने भी रूफ टॉप कैंपिंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं की है, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं की है। किसी ने रूफ टॉप कैंपिंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अभी तक किसी ने की, किसी ने नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए इसमें, और हमने आज फाइनली जो हमारा ड्रीम था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कैंपिंग करने का रूफ टॉप, वो हमने आज पूरा कर लिया। ये है हमारी अभी की लोकेशन, ये देखो आप। एक साइड से ये रोड जाता है मुजफ्फराबाद, 29-30 किलोमीटर है यहाँ से मुजफ्फराबाद, और ये रोड जो है ये जाता है केरन की तरफ। केरन तक सुने में आया इनको लगता है गाड़ी में लगभग 15-20 मिनट यहाँ से। 2019 में जो है ये ब्रिज जो है ये बंद किया गया था, और अब सुनने में आया है बहुत जल्दी ये दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा, फिर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं विद प्रॉपर परमिशन। हाँ, विद प्रॉपर परमिशन, वीज़ा पासपोर्ट लेकर फिर लोग यहाँ पे आ पाएंगे। उम्मीद है जल्दी से चालू करें, और हम भी कोशिश करते हैं आगे जाने की कि कहाँ तक हम जा पाएंगे। इस जगह पे जो है डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे पहले जब एंट्री हुआ करती थी, पासपोर्ट वीज़ा वो सब यहाँ पर चेक किया जाता था, फिर इस ब्रिज के आगे जाने दिया जाता था। फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम टिटवाल क्रॉसिंग ब्रिज पर जाने वाले हैं, हिस्टोरिक ब्रिज पे। दिल की धड़कनें जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। ये नज़ारे देखने के लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और आज फाइनली वो टाइम आ गया है।
पूरा हो गया। इस ब्रिज पर आना था वो हम आ गए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली गेट ऑन हुआ है, स्पेशल थैंक्स इनके लिए क्योंकि इन्होंने वरना एंट्री नहीं थी, शुक्र है कि हमें एंट्री मिली। टीटवाल क्रॉसिंग ब्रिज से हम आ गए। अभी हमारे भाई हमें यहाँ होम स्टे दिखाने वाले हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा आपको। अगर आप यहाँ आते हो टीटवाल तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। अभी हम देखते हैं, अभी हम अंदर जा रहे हैं, रूम देखते हैं कैसे रूम देखते हैं। ये है किचन, किचन बहुत ही बढ़िया बढ़िया किचन है। देखिए कितना अच्छा किचन यहाँ पे आपको मिलता है। ये सामने वॉशरूम, ये देखो काफी प्यारा रूम है, जबरदस्त। और ये देखो तीन बंदे, एक बंदा दो और दो दो चार, मुझे लगता है चार बंदे आराम से हैं इसमें भी। और यहाँ पे दूसरा रूम, ये तो बैठने के लिए जबरदस्त, यहाँ पे भी अच्छे खासे बंदे जो है सो सकते हैं। ये देखो भाई ने यहाँ पे जो है व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त व्यू पॉइंट बनाया है। यहाँ से आप देखो आगे वाला जो हाँ बिल्कुल हाँ, और खूबसूरत नदी किशनगंगा या नीलम कह लो, तो नदी भी ये यहाँ पे खेत यहाँ से। और ये देखो नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी हम अपना जो रूफटॉप टेंट है ये बंद कर रहे हैं कि हम आगे जाएंगे टीटवाल गांव की सैर कराएंगे आपको, और चलहाना तक, चलहाना की भी, और देखेंगे अगर सिमारी तक भी जा पाए तो वहाँ भी जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे बंद करते हैं, फिर देखते हैं लंच का क्या सीन रहेगा, वो बाद में पता चलेगा। ये है शाने टीटवाल स्टेडियम, कैंप कोट टीटवाल। ये देखो कितना प्यारा है ये गांव, कितना खूबसूरत है। ये क्या है यहाँ से, ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर टीटवाल, ये टावर टीटवाल। हाँ अब तो फोन अच्छे से चलता है यहाँ पे, एयरटेल भी चलता है और जियो भी चलता है, और होम स्टेज भी काफी है, होम स्टेज काफी है। यहाँ पे हमने तो शहजाद होटल एंड रेस्टोरेंट, इसके पास रूम्स भी अवेलेबल है। हमने तो आपको वैसे भी बहुत सारों का नाम इसमें दिया है। अभी जाते हैं आगे, आगे आगे जो है काफी जबरदस्त नजारा देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे ये देखो रूम्स अवेलेबल, रूम्स अवेलेबल यहाँ से। यह है शाहदरा यात्रा टेम्पल यहाँ से, और आगे 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 ये पुलिस स्टेशन टीटवाल, पुलिस पोस्ट टीटवाल। अब आप बोलोगे इससे भी खतरनाक क्या है, लेकिन हम आपको इससे भी खतरनाक दिखाएंगे। हाँ वरना क्या, अभी तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं। सामने जो ये गांव नजर आ रहा है ये है चिलहाना, जो कि पाकिस्तान में है, और अभी हम खड़े हैं टीटवाल में। वो सामने जो है ये मस्जिद है उस साइड से, और ये है गाँव पूरा, पूरा गाँव जो है क्लोज आपको दिख रहा है। ये देखो वहाँ से बच्चे अभी टहल रहे हैं, ये देखो बच्चा जो है अभी झूल रहा है वहाँ पे, खेल रहा है अपने आंगन में। मन तो नहीं कर रहा है इस जगह से निकलने का, लेकिन अभी निकलना होगा क्योंकि फिर साधना टॉप पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बेहतर होगा यहाँ से अभी हम निकल जाए, फिर शाम 8 बजे तक तो हम पहुँच जाएंगे, 8-9 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। फिलहाल अभी हम निकलते हैं।